सो हेलो पीपल, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। इस वीडियो में हम एकेडमिक्स वाला कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। जस्ट अभी 1 से 1.5 घंटे पहले एक आर्टिकल देखने में आया है इकोनॉमिक टाइम्स पे, जहाँ पे टाइटल ये था कि जो डेडलाइन है मे हैव टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 30 सितंबर। देखा जाए तो 31 जुलाई से वैसे भी 30 सितंबर हो चुका है, बट लग रहा है कि 30 सितंबर से भी डेट ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। अब वैसे भी ये तो हमको ही पता है कि इनकम टैक्स पोर्टल में इतने सारे ग्लिचेस हो रहे हैं कि हमको यही अंदर ही अंदर पता है कि एक्सटेंड तो हो सकता है, पर फिर भी ये आर्टिकल आया है, लगता है कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मुझे लगा कि इस आर्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करना ज़रूरी है। दो, हमको पता है कि एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बोला गया। राइट, चलो सबसे पहले टाइटल क्या है कि जो डेडलाइन है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, जो 31 जुलाई से अब हो चुकी है 30 सितंबर, वो भी एक्सटेंड हो सकती है। इसके सिनॉप्सिस अगर हम देखें, पूरे जो हम पढ़ेंगे उसका सिनॉप्सिस तो यही है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसके बारे में आर्टिकल में आगे चर्चा होगी, आर ऑल्सो सेइंग, मतलब ये भी बोल रहे हैं, और ये कौन बोल रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव भी बोल रहे हैं कि डेडलाइन एक्सटेंड हो जानी चाहिए। इन द व्यू, उसको देखते हुए, इनकम टैक्स पोर्टल की हालत को देखते हुए एक्सटेंड तो कर दो। देयरफॉर इट अपीयर्स लाइकली दैट, लग रहा है कि आईटीआर फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हो जाएगी। ले देखे, इसका क्रक्स तो यही है, बट फिर भी ये दो पेज का तो आर्टिकल है, एटलीस्ट वेबसाइट पे दिखा रहा था। ठीक है, तो एक बार उसको अपन पढ़ते हैं। देखो, प्रीति मोलानी जी ने लिखा है ये, राइट, वन सेकेंड। हाँ, तो देखो, आईटीआर फाइलिंग की जो डेडलाइन है 2021 की इंडिविजुअल की, वो वैसे भी एक्सटेंड हो चुकी है 30 सितंबर तक। ठीक है, फ्रॉम द यूजुअल डेडलाइन जो 31 जुलाई थी। हाउएवर, जो न्यू इनकम टैक्स पोर्टल जो है ना, वो मार्ड बाय ग्लिचेस। अब ये मार्ड बाय ग्लिचेस क्या है? मार्ड मतलब होता है डैमेज, ये डैमेज हो जाता है ग्लिचेस के कारण, मतलब कि ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये टेम्प्रेरी ग्लिचेस है, प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं कि अभी अभी हुआ है। ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो है, उन्होंने इन्फोसिस को, जिन्होंने ये पोर्टल को सेटअप करा है, उनको टाइम दिया है 15 सितंबर तक कि आप ये सारी प्रॉब्लम को ठीक करो। ठीक है, अगर 15 सितंबर तक ये ठीक करेंगे, मतलब कि इंडिविजुअल के पास सिर्फ 15 दिन बचेंगे आईटीआर को फाइल करने के लिए। और ये सिस्टम वैसे भी एक नया हो, तो ये अनफेमिलियर सिस्टम है, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लग रहा है कि एक चैलेंजिंग पार्ट होगा 15 दिन में सबका सब खत्म करना। जैसा कि हमने सिनॉप्सिस में पढ़ा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो भी यही बोल रहे हैं कि डेडलाइन जो है, इन द व्यू इनकम टैक्स पोर्टल की हालत को देखते हुए, उनको लग रहा है कि आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन जो है उनको एक्सटेंड हो जाना चाहिए। राइट, लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले साल भी गवर्नमेंट ने 4 बार बढ़ी है, 31 जुलाई 20 से करीब पहले 30 नवंबर, 30 सितंबर भी नहीं, 30 नवंबर, फिर कर दी उन्होंने 31 दिसंबर, फिर कर दी उन्होंने 10 जनवरी। ठीक है, तो जो ईटी वेल्थ ऑनलाइन जो भी इनकी साइट है, उन्होंने बात करी 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटीज के रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है, तो हियर इज़ व्हाट दे हैव टू से, तो उन्होंने इस जो बोला है वो अभी अपन पढ़ने वाले। तो दीपक शाह जी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इनफैक्ट चेयरमैन भी है टैक्सेशन कमेटी के, और टैक्सेशन कमेटी बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, तो बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी है टैक्सेशन कमेटी के वो चेयरमैन है। उन्होंने क्या बोला है कि जो आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन है इंडिविजुअल की या एंटिटीज़ की, जो कंपनीज नहीं है, एंटिटीज़ अदर देन कंपनीज विच आर नॉट लाइबल फॉर ऑडिट, वो ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है। राइट, तो जो लोग हैं जो ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है, जैसा अपने रिटर्न्स के चैप्टर में भी पढ़ा है, तो क्या बोला है कि जो इंडिविजुअल है और जो एंटिटीज है जो कंपनी के अलावा, ठीक है, एंटिटीज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जो कंपनी के अलावा है, क्योंकि अगर आपको पता है तो कंपनीज और जो पर्सन जिनका ऑडिट होना है, और इनफैक्ट जो फर्म ऑडिट कर हो जिनका ऑडिट होता है, तो उनके पार्टनर्स, उनकी ड्यू डेट सेपरेट होती है, बाकी सबकी जुलाई रहती है। तो ये लिखा हुआ है कि उनकी अभी 30 सितंबर थी, ये एक्सटेंड हो जानी चाहिए फॉर द रीज़न, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल जो है बहुत सारे ग्लिच है, 2.5 महीने से ग्लिच है। ठीक है, अब देखो, देखा जाए तो वी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ प्रोफेशनल, हम नहीं चाहते कि ना ये डेट वाइट एक्सटेंड हो, क्योंकि इससे हमारी प्रॉब्लम से कंपाउंड हो जाएगी। हम वैसे सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के इंडियावर का, गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रही है कि पूरा सही तरीके से हो, तो हम उसको भी सराह करते हैं, बट हम भी नहीं चाहते कि एक्सटेंड हो। और वैसे भी हमारा तो ये सजेशन है अथॉरिटीज़ को कि देखो, सिंपल सी बात है, गिव एंड टेक प्रिंसिपल पे वर्क होती चीज़ें। क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप टैक्स पेयर को एक ग्लिच फ्री साइट, एक प्रॉपर साइट, एफिशिएंट सॉफ्टवेयर,
एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस वेल इन एडवांस प्रॉपरली आप गाइड करो, एक अच्छा सॉफ्टवेयर दो, ठीक है, एफिशिएंट सिस्टम दो, और आप हमसे उम्मीद भी कर लो फिर टाइमली कंप्लायंस की, आप पहले दो तो सही, तो आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो ये बोल रहे थे एक्सटेंशन अगर 30 सितंबर का करा तो उसका चेन रिएक्शन होगा, मतलब ऑडिट केसेस भी डिस्टर्ब होंगे, तो ये बहुत पॉसिबल नहीं होगा टू कोप अप विद द मल्टीपल डेडलाइन, कि मल्टीपल डेडलाइन इतनी शॉर्ट स्पैन में आएगी तो हमारे लिए ही वो दिक्कत है, हम इनफैक्ट हम ये भी नहीं चाहते, इनफैक्ट इसका इससे तो इनफैक्ट चेन रिएक्शन होगा, ठीक है। और फर्दर मोर वन सेकेंड, फर्दर मोर कंसिडरिंग द मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो बेटर है कि आप ड्यू डेट का वेट ही मत करो, आप सुओ मोटो ही इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो एक प्रॉपर आप जो है एक इंश्योर करो कि सारे ग्लिच सॉल्व हो जाए, तो आपको जो है बेटर कंप्लायंस मिलेगा, ठीक है। और यही जो है दूसरे जो है केतन वजानी जी, जब भी जो अपन ने पढ़ा था वो बॉम्बे जो सोसाइटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, उसके टैक्स टैक्सेशन कमेटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चेयरमैन थे, इधर भी जो है सोसाइटी के वो सोसाइटी के चेयरमैन थे, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट के। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वही इनकम टैक्स की ड्यू डेट जो है 30 सितंबर है, पर जो है इनकम टैक्स की साइट जो है 30 सितंबर जो ड्यू डेट है, पर साइट तो जून 7 को ही लॉन्च हो गई थी, बट इसका रिस्पांस टाइम बहुत स्लो है। और इनफैक्ट मजे की बात तो ये है कि फॉर्म 10 IE जो भरना पड़ता है काई के लिए, जो पर्सन न्यू टैक्स रिजर्व में जाने वाले, तो वो फॉर्म ही वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि वो फॉर्म ही जो फॉर्म 10 IE है, ठीक है, जो न्यू प्रोविजन में न्यू टैक्सेशन रिजाइम में जाने वाले हैं, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये तो सारी जेन्युइन डिफ़िकल्टी है, ऐसा भी नहीं है कि ये जेन्युइन डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है कि आप सुओ मोटो एक्सटेंड कर दो, ठीक है। हाउएवर माना हमने माना कि पहले नहीं हो रही थी एक्सटेंड, क्योंकि स्टैचूटरी फॉर्म्स जो है टाइमली अवेलेबल हो गए थे, ठीक है। इसलिए हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि मैं डिले करूँ, मैं डिले का बोल दूँ, पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं डिले होने का, क्योंकि सारे स्टैचूटरी फॉर्म्स जो है वो टाइम पे आ गए थे। बट फिर भी अब क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स पोर्टल में ग्लिचेस आ रहे हैं, नए पोर्टल में ग्लिचेस आ रहे हैं, फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, फाइल नहीं हो पा रहे हैं। तो बेटर है कि जो CBDT है ये सब चीज़ों को कंसिडर करे और एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दे एडवांस में ही, रादर देन वो ड्यू डेट तक का वेट करें, ठीक है। तो यही बात करके रखी अभिषेक सोनी जी, जो tax2win.in के CEO है, ठीक है। तो हमने एक चेयरमैन की बात करी, प्रेसिडेंट की बात करी, tax2win के जो CEO है वो भी यही बोल रहे हैं कि न्यू इनकम टैक्स वेबसाइट आई तो टेक्निकल ग्लिचेस तो है, टैक्स पेयर तो फाइल ही नहीं कर पा रहे रिटर्न। और इनफैक्ट 21 और 22 अगस्त को तो टैक्स पोर्टल जो है IT पोर्टल अवेलेबल ही नहीं था, IT पोर्टल वैसे भी स्लो है, जो प्रीफिल डेटा है वो डेटा फिल तो हो जाता है पर फिल कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी अगर होता भी है तो एक्यूरेट नहीं होता, कभी कभी तो चीज़ें मिसिंग ही रहती है। तो जब टेक्निकल ग्लिचेस हैं तो ऐसे केस में बेटर है कि आप तो एक्सटेंड ही कर दो। और इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर ये टैक्स का आर्टिकल देखा, और इस आर्टिकल से ये समझ में आ रहा है कि हमने 3 पर्टिकुलर पर्सन की बात कर ली, और ग्लिचेस विचेस के कारण हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में जो एकेडमिक से रिलेटेड होंगे। फर्दर अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती है तो मैं ऐसी चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू, बाय।